watch all videos of our YouTube channel CGPSC eGyan and get complete video lectures from visualcard.com. तो देखिए मैंने कॉलम्स बना लिए हैं, उपभाषा, विभाषा, संपर्क की भाषा, भाषा को व्यक्त करते हैं तो उसे व्यक्त भाषा कहते हैं, तो व्यक्त भाषा, मौखिक भाषा, लिखित भाषा, मानक हिंदी भाषा, राष्ट्रभाषा और यहाँ पे आ जाएगा राजभाषा, उसके बाद मानकीकृत भाषा और अमानक भाषा। ये सभी टॉपिक्स अब हम देखते हैं क्योंकि ये मेंस का टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम डील करते हैं उपभाषा या विभाषा। इसका एग्जांपल लेना चाहूंगी हल्बी बोली का। हल्बी बोली अब पहले से ज्यादा परिष्कृत हो गई है, उसका जो एरिया था, बोलने वाला जो क्षेत्र था वो बढ़ चुका है, तो वैसी बोली को हम उपभाषा का नाम दे देते हैं। तो जब कोई भाषा या कोई बोली, भाषा नहीं आएगा यहाँ पे, सिर्फ बोली आएगा, जब कोई बोली थोड़ी सी अधिक परिष्कृत और संपन्न हो जाती है और जब उसको यूज करने का क्षेत्र बढ़ जाता है तो वह बोली उपभाषा का रूप ले लेती है, लेकिन उसमें क्षेत्रीयता बनी रहती है, वह एक क्षेत्र में ही यूज की जाती है और उसमें ज्यादा कुछ डेवलपमेंट और ज्यादा नहीं होता, जैसे कि उसकी साहित्यिक विधाएं हैं वो सभी ज्यादा तैयार वगैरह नहीं हुई रहती, बस वो परिष्कृत रूप ग्रहण कर लेती है, उसका क्षेत्र बढ़ जाता है, तो ऐसी बोली उपभाषा का या विभाषा का रूप ले लेती है। अगला आता है संपर्क भाषा। बहुत इजी है, संपर्क के लिए जिस भाषा का यूज किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। जैसे कि मैं अपने संपर्क के लिए अपने मम्मी पापा से छत्तीसगढ़ी भाषा का यूज करती हूँ, छत्तीसगढ़ी बोली का यूज करती हूँ, अपनी सर्कल में अपने और भी फैमिली मेम्बर से उनके साथ छत्तीसगढ़ी में बात करती हूँ, तो मेरी संपर्क भाषा हो गई। इसका मतलब ये है कि ऐसी बोली या ऐसी भाषा जिसे संपर्क के लिए यूज किया जाता है, मनुष्य जिसे अपने विचारों को व्यक्त करने के लिए यूज करता है, अपने समाज में, अपने सर्कल में, अपने दोस्तों के साथ जो भाषा का उपयोग करता है उसे संपर्क की भाषा कहते हैं। इसका जो क्षेत्र है वह सीमित भी हो सकता है और विशाल भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है व्यक्त भाषा। व्यक्त भाषा मतलब होता है ऐसी भाषा जिसे मनुष्य अपने विचारों को, अपनी फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए यूज करता है। जैसे कि मैं अपने फीलिंग्स को व्यक्त करने के लिए, जब मैं गुस्से में रहती हूँ तो मैं इंग्लिश बोलने लग जाती हूँ, जब मेरा मन शांत रहता है तो मैं छत्तीसगढ़ी में बात करने लग जाती हूँ, तो ऐसी भाषा को बोलते हैं व्यक्त भाषा। हर किसी की व्यक्त भाषा अलग हो सकती है और मनुष्य जो है वो अपने विचारों को व्यक्त करता है भाषा से और अपने संकेतों से भी व्यक्त करता है, तो ये हो गई व्यक्त भाषा। अगला है मौखिक भाषा। मौखिक भाषा मतलब हम जिस भाषा में बात करते हैं उसके दो रूप होते हैं, एक होता है मौखिक रूप और दूसरा होता है लिखित रूप। मौखिक रूप मतलब हम जिस भाषा को बोलचाल में यूज कर लेते हैं, लेकिन लिखित रूप शुद्ध रूप होता है जिसे हम थोड़ा इग्नोर करते हैं, मतलब हम कुछ कुछ शब्दों का उच्चारण ऐसे करते हैं कि उसे थोड़ा सा मॉडिफाई करके यूज करने लग जाते हैं, ठीक है। तो ऐसी जो भाषा रहती है उसे मौखिक भाषा कहते हैं। मौखिक भाषा मतलब ऐसी भाषा जो बोली जाती है और लिखित मतलब जो शुद्ध रूप होता है और लिखित रूप होता है, तो डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। मौखिक भाषा का यूज हम अपने सामाजिक राजनीतिक क्षेत्रों में भी यूज करते हैं, ठीक है। मौखिक भाषा परिष्कृत भाषा होती है, संपन्न भाषा होती है और इसमें अपनी बोलीगत विशेषताएं भी छिपी रहती है। अगला आता है लिखित रूप या लिखित भाषा। लिखित भाषा वो भाषा है जो लिखित रूप में उपयोग की जाती है, जैसे साहित्य की भाषा है जिसमें शुद्धता होती है, जिसमें जब भाषा का ओरिजिन हुआ उस समय से लेकर के अभी तक जो जो चीजें उसमें इंक्लूड हुई, ठीक है, पहले कारकों की जो संख्या थी वो कम थी, अब बढ़ गई, लोगों ने उसे अपनाया, उसमें नई नई चीजों को ऐड किया, तब वो इतनी संपन्न और परिष्कृत हो गई, तो जो भाषा है उसका लिखित रूप ही क्या है, लिखित भाषा है, ठीक है, जो बहुत शुद्ध होता है। इसका यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, सरकारी कामकाज में, शासन प्रशासन के कामकाज में और साहित्यिक विधाओं में यूज किया जाता है, स्कूल में यूज किया जाता है, कामकाज में यूज किया जाता है, तो ये हो गई आपकी लिखित भाषा। अब अगला देखते हैं मानक भाषा। मानक भाषा और उसके बाद देखेंगे मानकीकृत भाषा। तो इसके लिए मुझे
बोर्ड थोड़ा क्लीन करना होगा ताकि हम इसमें और भी पॉइंट्स ऐड कर सकें, क्योंकि ये ज्यादा नंबर पे आता है, कभी कभी 60 शब्दों में आ जाता है। तो मानक भाषा ऐसी भाषा को कहते हैं जो लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी है, जैसे कि हिंदी। हिंदी को हम एक आदर्श भाषा मानते हैं और वो हमारे सामाजिक क्षेत्र में भी उपयोग की जाती है। तो मानक भाषा की कुछ विशेषताएं हैं, उसे आप जब पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि हिंदी जो है वो मानक भाषा कैसे बनी। देखिए, सबसे पहले तो मानक भाषा को एक सामाजिक आदर्श स्थापित करना पड़ता है, ठीक है, तब उसे मानक भाषा कहा जाता है। जैसे कि हिंदी का मैंने एग्जांपल दिया, लोगों के लिए हिंदी बोलना गर्व की बात होती है। हम हिंद और हिंदुस्तानी जो शब्द यूज करते हैं वो उसी से प्रेरित है, हमें हिंदी बोलना अच्छा लगता है, हम हिंदी को बढ़ावा देते हैं, ठीक है। तो और नेक्स्ट पॉइंट है कि मानक भाषा का यूज कहाँ कहाँ पे किया जाता है, पत्राचार में, शिक्षा में, सरकारी कामकाज में, सांस्कृतिक गतिविधियां होती है उसमें भी इस भाषा का यूज किया जाता है। जैसे कि आप किसी भी कॉन्फ्रेंस में जाते होगे, कोई बड़े सम्मेलन वगैरह में जाते होगे, तो उसमें देखा होगा आपने कि कितना शुद्ध और कितना अच्छा लोग हिंदी बोलते हैं, ठीक है। फिर इसमें मानक शब्दों का यूज किया जाता है। बोलचाल की भाषा में हम किसी भी चीज को कुछ भी कह देते हैं, अपना कुछ भी नाम रख देते हैं, लेकिन मानक शब्द जो है वो हिंदी में भी प्रयोग किए जाते हैं। मतलब ऐसे शब्दों का उच्चारण किया जाता है जो बहुत ही परिष्कृत लगते हैं, शुद्ध लगते हैं और सुनने में बहुत अच्छे लगते हैं। तो मानक शब्दों का यूज मानक भाषा में किया जाता है। ये व्याकरण सम्मत होता है, पहले ही मैंने बताया था। इसके उच्चारण और लेखन में कोई भी अशुद्धियां नहीं रहती है, अशुद्धियों से ये मुक्त रहती है। जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं, हिंदी में हम कोई लेटर टाइप किए हैं, ठीक है, पत्र लेखन में मैं उस टॉपिक को बताऊंगी आपको, तो उसमें ऐसा रहता है कि उसमें कोई भी अशुद्धियां नहीं होती, शब्दों का बहुत अच्छे से यूज किया जाता है, ठीक है। अगला आता है औपचारिक रूप से भी इसको उपयोग किया जाता है, कोई औपचारिक फंक्शन होता है कहीं पर भी तो उसमें भी यूज कर लिया जाता है मानक भाषा का। समाज और राजकीय अधिकृत भाषा होती है, मतलब ये है कि समाज इसे अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करती है और राज्य भी इसे अपनी भाषा के रूप में स्वीकार करती है। जैसे छत्तीसगढ़ी बोली है, उसे कोशिश किया जा रहा है कि उसे ज्यादा से ज्यादा लोग यूज करें ताकि उसे संविधान में स्थान मिल सके। तो राज्य की एक हिसाब से जो छत्तीसगढ़ी भाषा है, छत्तीसगढ़ी जो बोली है, वह हमारी राज्य की भाषा तो बनी चुकी है, लेकिन अब उसे राज्य और ज्यादा से ज्यादा अपनाने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरीके से किसी भी भाषा का मानक भाषा में परिवर्तन होने लगता है। तो यही क्या है, मानक भाषा है। मानक भाषा एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, तो आप इसको प्लीज हमेशा जब भी जाओ मेंस देने के लिए तो उसको बिल्कुल पढ़ के जाओ, ठीक है। अब अगला देखते हैं मानक हिंदी। मैंने मानक भाषा को समझाते हुए हिंदी का एक बार बार एग्जाम्पल दिया था, अब मानक हिंदी थोड़ा सा इसे सिमिलर ही है, ठीक है। हिंदी, मानक हिंदी का जो विकास है वो मैंने बताया था अपभ्रंश से हुआ, सौर से नहीं, अपभ्रंश की पश्चिमी हिंदी से मानक हिंदी का विकास हुआ। ये पश्चिमी हिंदी, खड़ी बोली, ये सभी का मिक्स रूप है, ठीक है। तो मानक हिंदी जो है वो मेनली किसी भी भाषा का परिष्कृत रूप होता है, सॉरी, मानक भाषा जो है वो किसी भी भाषा और बोली का परिष्कृत रूप होता है। तो मानक हिंदी भी खड़ी बोली जो सौर से अपभ्रंश का भाग है उसी का परिष्कृत और संपन्न रूप है, ठीक है। इसमें अपनी क्षेत्रीय विशेषताएं हैं इसकी। वैसे तो माना जाता है कि हिंदी का जो आरंभ है वो उत्तर प्रदेश से हुआ, और उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में कुछ कुछ जिले हैं जहां पर बहुत ही शुद्ध हिंदी बोली जाती है, उसी हिंदी को हम मानक हिंदी का नाम देते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप कि मानक हिंदी खड़ी बोली की एक परिष्कृत क्षेत्रीय विशेषता लिए हुए भाषा है जो लोगों के लिए एक आदर्श के रूप में स्थापित हो चुकी है, ठीक है। अब देखते हैं हम मानकीकृत भाषा।
भाषा। मानकीकृत भाषा और मानक भाषा में केवल इतना अंतर होता है कि मानकीकृत भाषा को मानक भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया जाता है, लेकिन उसकी लेकिन उसका जो क्षेत्रीय विशेषता रहती है वो थोड़ा सा सीमित रहता है। उसका जो सर्कल है जहां तक जितने लोग उसे यूज करते हैं वो क्षेत्र क्या होता है, सीमित होता है। अर्थात क्या हुआ, वो परिष्कृत होगा, संपन्न होगा, लोगों के द्वारा ज्यादा से ज्यादा यूज होगा, लेकिन मानक भाषा के कंपेयर में वो कम होगा। ठीक है, उसकी सामाजिक जो वैल्यू रहती है वो क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। कौन सी भाषा से, मानक भाषा से। तो बेसिक डिफरेंस मानक भाषा और मानकी भाषा में बस यही है। तो मानकीकृत भाषा कौन क्या हो गई, मानकीकृत भाषा जो व्याकरण सम्मत होती है, जिसमें अशुद्धियां नहीं होती है और जिसमें ज्यादा विविधता नहीं होती है। अब अगला देखते हैं अमानक भाषा। अमानक भाषा क्या होती है, जो मानक भाषा नहीं होती है, जस्ट रिवर्स है। मानक भाषा जो नहीं है उसे अमानक भाषा कहते हैं। इसमें अशुद्धियां होती है, ये व्याकरण सम्मत नहीं होती है, इसकी सामाजिक प्रतिष्ठा कम होती है, और क्या हो गया, इसमें मानक भाषा के जो गुण पाए जाते हैं वो उसमें नहीं पाए जाते हैं, इसमें ज्यादा से ज्यादा एरर्स पाए जाते हैं, और इसका जो क्षेत्र रहता है वो भी कम होता है, छोटा सा होता है, ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। ठीक है, तो एक हिसाब से बोल सकते हैं कि अमानक जो भाषा है वो प्रतिष्ठित भाषा नहीं है। अब अगला आता है राजभाषा। राजभाषा नाम से ही है, राज की भाषा या राज्य की भाषा, जो राजकीय काम काज में यूज किया जाता है या प्रशासनिक कार्यों में जो भाषा यूज की जाती है उसे हम राजभाषा कहते हैं। जैसे कि इसके कुछ विशेषताएं उसे डील करते हैं। इसका जो क्षेत्र रहता है वो सीमित रहता है। जैसे कि हमारे भारत देश में हमारी राजभाषा क्या है, हिंदी है। 14 सितंबर 1949 को हिंदी को राजभाषा के रूप में दर्ज किया गया था और इसी दिन हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, अगला आता है इसे शासन प्रशासन और सरकारी कामकाज में यूज किया जाता है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि हिंदी का यूज कहाँ तक किया जाता है, कश्मीर से लेकर के नर्मदा नदी की जो तलहटी है वहां तक यूज किया जाता है। नीचे साउथ में आपको और भी अन्य भाषाएं देखने को मिलेंगी। यह जो भाषा रहती है वो मानक रूप से परिष्कृत होती है या मानक रूप लिए हुए बहुत सारी विशेषताओं के साथ यूज की जाती है। यह जो राजभाषा है वो स्वदेशी भाषा भी हो सकती है और विदेशी भाषा भी हो सकती है। जैसे कि जब यहाँ पे ब्रिटिश राज था तो उस समय अंग्रेजी जो थी उनकी राजकाज की भाषा थी, वैसे ही प्रेजेंट में अभी क्या है, हिंदी जो यहीं से उत्पन्न हुई है, मतलब स्वदेशी भाषा है, तो वो भाषा अभी प्रेजेंट में राजभाषा के रूप में है। ठीक है, तो ये हो गई हमारी राजभाषा। राजभाषा को भी 2 नंबर या फिर 4 नंबर में पूछा जाता है, तो बिल्कुल इसको रख लीजिए, क्या है कैसा है पूरा आप ऐसे पॉइंट्स बना करके याद करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और जो मैंने ऑर्डर जैसे बताया वैसे ही याद कीजिए, क्योंकि आपको उसे ज्यादा समझ में आएगा और ज्यादा कुछ याद नहीं करना पड़ेगा। मतलब एक बार आप कॉन्सेप्ट एक बार बना लेते हो, दिमाग में बिठा लेते हो उसे, तो बिल्कुल आपको जल्दी से याद हो जाएगा। अब अगला देखते हैं हम राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा नाम से ही स्पष्ट है, राष्ट्र की भाषा, जो किसी राष्ट्र की भाषा होती है उसे ही राष्ट्रभाषा कहा जाता है। अब इसकी विशेषताएं देखते हैं। सबसे पहले तो राष्ट्रभाषा जो है वो लोगों के संपर्क की भाषा या संपर्क कृत भाषा होती है, जो सामाजिक और सांस्कृतिक रूप से प्रतिष्ठित भी होती है। राष्ट्रभाषा को स्वभाषा भी माना जाता है, या ये बोल सकते हैं कि जैसे कि राजभाषा जो है वो स्वदेशी और विदेशी दोनों हो सकती है, लेकिन राष्ट्रभाषा केवल स्वदेशी होगी। ठीक है, अगला पॉइंट है कि राष्ट्रभाषा लचीली होती है, इसमें भावनात्मक एकता होती है। जैसे कि अगर हमारा लैंग्वेज है हिंदी, हिंदी को अगर कोई गाली दे, उसे एब्यूज करे, तो
हम थोड़े से गुस्सा हो जाएंगे कि हमारे लैंग्वेज को कोई गलत ले रहा है, तो वो हमारी एक फीलिंग होती है, हमारी उसके साथ भावनात्मक भावना जुड़ी हुई है, हम उसे क्लोज्ड हैं, हमने बचपन से हिंदी बोलना सीखा। हालांकि राष्ट्रभाषा के रूप में हिंदी को अपनाया नहीं गया है, हमारे भारत की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है, लेकिन हिंदी सबसे ज्यादा बोली जाती है, तो सब बोलचाल में बोल दिया जाता है कि हमारे राष्ट्र की भाषा हिंदी है। लेकिन राष्ट्रभाषा कोई संवैधानिक शब्द नहीं है, संविधान में राष्ट्रभाषा का कोई उल्लेख नहीं है, राजभाषा का उल्लेख है, ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए। अगला है ये लचीला है। हिंदी को अगर एग्जाम्पल लेके चलते हैं तो इसके कई रूप हमें दिखाई देते हैं। यहाँ पे छत्तीसगढ़ में या मध्य के क्षेत्र में थोड़ा सा अलग हिंदी बोला जाता है, उत्तर प्रदेश तरफ थोड़ा अलग हिंदी बोला जाता है, गुजरात और इधर अगर पूर्वोत्तर की तरफ एग्जाम्पल लेते हैं जैसे कि ओडिशा है, पश्चिम बंगाल, उस तरफ थोड़ा सा अलग अलग रूप, थोड़ा सा अलग रूप देखने को मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यह विस्तृत है एवं देशव्यापी होता है। मतलब ये है कि इसका जो क्षेत्र है बहुत बड़ा होगा, मतलब इसके जितने नंबर ऑफ पीपल यूज करते हैं वो क्षेत्र बड़ा होता है। देशव्यापी होता है, मतलब ये है कि जिसका देश के इतिहास में नाम है, देश में उसका यूज किया जाता है, उसे बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता है, तो उसे देशव्यापी बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसका और एक एग्जांपल देती हूँ, सपोज छत्तीसगढ़ी हमारी भाषा बन जाएगी, तो छत्तीसगढ़ी तो छत्तीसगढ़ में ही यूज होगी, वो देशव्यापी तो नहीं होगी, लेकिन हिंदी क्या है, कोने कोने में यूज की जाती है। हम नहीं जानते कि भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं और भी बहुत सारी लैंग्वेज बोलते हैं, पर इतना तो जानते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हिंदी भाषा का ही उपयोग किया जाता है, तो वो देशव्यापी भाषा हो गई। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं और हिंदी बोलना नहीं जानते, लेकिन हिंदी को समझना जानते हैं बहुत सारे लोग और उसकी वैल्यू को भी जानते हैं। और अगर हम इतिहास को भी देखते हैं तो जितने भी हमारे जब स्वतंत्रता संग्राम जिस समय चल रहा था, तो उस समय देशव्यापी भाषा के रूप में हिंदी भाषा को ही उपयोग किया जाता था। आप पुराने टाइम के पोस्टर्स ये सब देख सकते हो, उसमें हिंदी में ही लिखा जाता था, ठीक है। तो एक हिसाब से बोल सकते हो कि हिंदी जो है वो हमारे देश की राष्ट्रभाषा है, लेकिन अभी तक घोषित नहीं हुई है, ठीक है। अब अगला देखते हैं देवनागरी लिपि। जैसे कि हम जानते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोली, हिंदी, संस्कृत, नेपाली, मराठी, इन सभी को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। देवनागरी लिपि भारत की प्राचीनतम लिपियों में से एक है। इसका विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है और हिंदी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि के बारे में पूछा जा सकता है उसकी क्या विशेषताएं हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देवनागरी लिपि को आक्षरिक लिपि भी कहते हैं, अर्थात हर अक्षर के लिए, हर वर्ण के लिए केवल एक ही ध्वनि उपयोग की जाती है, ठीक है। तो देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं, उसको डील करते हैं। देवनागरी लिपि में एक ध्वनि के लिए एक ही वर्ण का उपयोग किया जाता है। अगर मैं क का उच्चारण करती हूँ तो उसके लिए केवल एक ही चिन्ह का उपयोग किया जाता है, लेकिन अनेक ऐसी भाषाएं हैं जिसमें एक ही ध्वनि के लिए कई चिन्हों का उपयोग किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है, इसमें स्पष्ट ध्वनि चिन्ह होते हैं। इसके जो ध्वनि चिन्ह है वो स्पष्ट होते हैं और समझने में बहुत आसान होते हैं। हिंदी वर्णमाला को देवनागरी लिपि में लिखा जाता है और ये बहुत ही वैज्ञानिक रूप से व्यवस्थित की गई है, जैसे कि स्वर, व्यंजन, अनुनासिक, निम्नानुनासिक, विसर्ग है, आपका अनुस्वार है, संयुक्त व्यंजन है, उष्म व्यंजन है, द्विगुण वाले व्यंजन है, उन सभी को एक वैज्ञानिक क्रम से व्यवस्थित किया गया है, ठीक है। अगला आता है, इसमें मात्राओं का प्रयोग स्पष्ट रूप से किया गया है, ठीक है, और इन्हीं मात्राओं के द्वारा छंद का भी वर्गीकरण किया गया है। तो ये कुछ विशेषताएं हो गई देवनागरी लिपि की, जो 2 नंबर और 4 नंबर में पूछा जा सकता है, तो आपसे क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। वैसे तो ये टॉपिक्स बहुत इजी है, लेकिन आपको मैं इसलिए पढ़ा रही हूँ कि अगर आप मेरे से सुन के आप कुछ लिख सकते हो तो उससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। अब इसके पहले मैं आपको वर्णमाला के बारे में पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। अब इसके आगे का कंटिन्यू करते हैं। इसके पहले मानक भाषा वगैरह को भी मैं बताऊंगी बोली थी, वो कंप्लीट हो गया है। अब वर्णमाला की बात का थोड़ा सा देखते हैं, उसके बाद हम
क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम कहाँ तक पहुंचे थे? हमारा हो गया था अल्पप्राण महाप्राण घोष अंकुश और अनुनासिक निम्नुनासिक सब कंप्लीट हो गया था। अब देखते हैं स्वराघात या इसे कहते हैं बलाघात। कभी कभी आप किसी शब्द का उच्चारण करते समय अटकते होंगे या उसमें थोड़ा सा बल लगाते होंगे, थोड़ा सा उसमें ज्यादा प्रेशर देते होंगे उस वर्ण के उच्चारण के लिए। ठीक है, तो ऐसे शब्द या ऐसे वाक्य जिसके उच्चारण के लिए हमें उच्चारण करते समय अधिक बल लगाना पड़ता है, तो ऐसे वर्ण जो रहते हैं वो स्वराघात कहलाते हैं। जैसे कि हम संयुक्त व्यंजन का एग्जाम्पल लेते हैं, हम छत्री का छ बोलते हैं उसे, उसका एग्जाम्पल लेते हैं। हम इससे कोई शब्द बना लेते हैं, जैसे लिया मैंने अक्षर। ठीक है, तो अगर मैं अक्षर प्रोनंशिएट करती हूँ तो मैं जो छ है इसमें क्या कर रही हूँ, ज्यादा बल लगा रही हूँ उसको, अक्षर करके पढ़ रही हूँ। तो जब जब मैं उस शब्द में बल लगा रही हूँ तो यहाँ पर मैं स्वराघात या बलाघात का उपयोग कर रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आता है संगम। संगम का सीधा अर्थ है संगम करने वाला या जोड़ने वाला। ऐसे वर्ण जो दो अलग अलग शब्दों को जोड़ने का काम करते हैं या उनका संगम करते हैं तो उसे हम संगम कहते हैं। जैसे कि तुम्हारे, तुम्हारे एक शब्द है। ठीक है, यहां पर मैं इसे तुम और हारे ऐसा पढ़ती अगर ये दोनों जुड़ा नहीं रहता तो, लेकिन मैंने उसे जोड़ दिया है, म और ह को दोनों को जोड़ दिया, तो यहाँ पे क्या हुआ, वर्णों का संगम हुआ। सब्सक्राइब अवर YouTube चैनल and press the bell icon to never miss an update from CGPSC eGyan. Visit our website visualcard.com to get complete video series.